Welcome to the online educational portal of App Institution. Here I'm your host, Saurav. This is the part 5 of HTML website developments. So let's achieve in Hindi language. Guys, हम HTML website development का part 5 contain कर रहे हैं, जिसमें आज हमको latest audio में अगले contents को define करना सीखना है. Okay? So edit करते अपने website के documentation वाले folder को. आप इंडेक्स फाइल पे राइट क्लिक करें और ओपन विथ ऑप्शंस में जाकर नोटपैड पे क्लिक करें. ऐसा करने से आपकी जो इंडेक्स फाइल की कोडिंग होगी वो एडिट हो जाएगी. ओके, सो मैं इसको पहले प्रीव्यू करके देखता हूँ कि मैंने कहाँ तक इस वेबसाइट को बना कर रखा है. ओके, यस, हमने लेटेस्ट ऑडियो वाले पैनल में फर्स्ट लाइन में एक सॉन्ग को डिफाइन किया है. अब मैं अगले सॉन्ग को सेकेंड लाइन में डिफाइन करने वाला हूँ. तो बेसिकली मैं ऐसा करने के लिए क्या करूँगा, ये जो हमने फर्स्ट लाइन में कोडिंग की है इसको मैं कॉपी करूँगा और फिर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा. सो गाइज, हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगले सॉन्ग्स का डेकोरेशंस सेम हो, इसलिए मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया. सिंपली मैं यहाँ पे सॉन्ग के नाम को चेंज कर दूंगा. जैसे मैं यहाँ पे सॉन्ग का नाम लिख रहा हूँ, आई एम योर्स. ओके, अब मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करके देखता हूँ. यस गाइस, आप इसको फॉलो करें. हमने कोडिंग्स किया है फर्स्ट लाइन में और फिर सेकंड लाइन में. तो हमने जिस तरह के कीबोर्ड से फॉर्मेटिंग किया है, क्या हमारे वेब ब्राउज़र में हमारा HTML डॉक्यूमेंट्स उसी तरह से फॉर्मेटिंग हुआ? नहीं, क्योंकि HTML डॉक्यूमेंट हमारे कीबोर्ड के फॉर्मेटिंग को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है. इसके लिए कुछ ऑथेंटिकेशंस होते हैं, कुछ प्रोविनेंस होते हैं, जिनको हमें एक्टिव करने के बाद कीबोर्ड के फॉर्मेटिंग जिस तरह से हम राइट करते हैं उस तरह से काम करना शुरू कर देते हैं. फिलहाल हम चाहते हैं कि ये जो लाइन हमने राइट किया है सेकंड लाइन, ये मैं चाहता हूँ सिंपली इस लाइन को ब्रेक करके ये सेकंड लाइन से शुरू हो जाए. तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, सो देखो. तो मैं चाहता हूँ कि ये लाइन हमारे फर्स्ट लाइन को ब्रेक करके सेकंड लाइन में मूव कर जाए. तो इसके लिए मैं ब्रेक टैग का उपयोग करूँगा इस कोडिंग के शुरू करने से पहले. ओके, सो ऐसा करने से क्या होगा, ऑटोमेटिक ब्रेक टैग के बाद जो भी एलिमेंट्स होंगे वो अगले लाइन से शुरू होंगे. तो ब्रेक टैग की मदद से हम किसी भी लाइंस को ब्रेक कर सकते हैं. ब्रेक टैग एक एम्प्टी एलिमेंट टैग है जिसे हम लॉक नहीं करते हैं. तो मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करता हूँ. यस, फिर मैं थर्ड लाइन में कोडिंग करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा से ब्रेक टैग शुरू करूँगा ताकि ये लाइंस ब्रेक हो जाए जिस लाइंस में हमने इस सॉन्ग को डिफाइन किया है. ओके, अब मैं चाहता हूँ अगले सॉन्ग को डिफाइन करना सेम डिज़ाइन सेम स्टाइल में. तो मैं इसको कॉपी करूँगा और फिर ब्रेक टैग के बाद पेस्ट करूँगा और सिंपली इस सॉन्ग के नाम को चेंज कर दूँगा. ओके, सो मैं यहाँ पे सॉन्ग का नाम राइट कर रहा हूँ. अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ. ओके, सो मैंने जिस तरह से कोडिंग्स किया है उस तरह से हमारा वेबसाइट में प्रीव्यू हो रहा है. सो गाइस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस डॉक्यूमेंटेशन को आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो काइंडली इसके प्रीवियस वीडियोज को वॉच करें, आपको समझ में आ जाएगी. ओके, अगर वेबसाइट बनाने की कंपनीज आपने खोल रखी है तो सिंपली वेबसाइट कंप्लीट होने के बाद आप अपने कंपनीज का नाम नीचे में राइट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने अपनी कंपनीज का नाम राइट किया है, दैट इज स्वीटूज मीडिया. सो अब मैं चाहता हूँ उसको लिखना, तो पहले तो मैं ये कंटेंट राइट करूँगा डेवलप्ड बाई स्वीटूज मीडिया. ओके, सो मैं चाहता हूँ कि ये अगले लाइन से शुरू हो जाए, इसलिए मैं ब्रेक टैग के बाद इस कंटेंट्स का कोडिंग राइट करूंगा, डेवलप्ड बाय स्वीटूज मीडिया. ओके, सो इसको सेव करके मैं प्रीव्यू करता हूं. यस,
अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट मैंने जो राइट किया है ये कंटेंट हमारे राइट हैंड साइड में आ जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको हेडिंग से मार्क कर देता हूँ ताकि ये बड़ा साइज का नज़र आए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको H2 से मार्क कर दे रहा हूँ। ओके, H2 से मार्क करने का मतलब है ये हेडिंग्स 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ। यस गाइस, हमने इसको बोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पेज के राइट हैंड साइड में दिखे, तो मैं क्या करूँगा, H2 में एक अलाइन एट्रीब्यूट का उपयोग करूँगा। जब भी आप हेडिंग्स के किसी भी टैग में, यानी कि H1 से लेकर H6 तक के बीच में किसी भी टैग में अलाइन एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं, तो आप H1 से लेके H6 तक के सारे कंटेंट्स को पेज के राइट हैंड साइड में सेंड कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सेंड कर सकते हैं, या सेंटर में सेंड कर सकते हैं। तो अलाइन एट्रीब्यूट के पास 3 वैल्यूज़ है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट है इसका पोजीशन मैं राइट सेट कर दूँ, तो मैं अलाइन एट्रीब्यूट में राइट वैल्यू पास करूँगा। अब मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करता हूँ। यस ओके, सो डिज़ाइन के अनुसार मुझे इस टेक्स्ट को रेड कलर में कन्वर्ट करना है, इसमें इसके साइज में कुछ इंक्रीमेंट करनी है, इसके डिज़ाइन में भी थोड़ा सा इन्हेंसमेंट करनी है। ओके, सो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो आप कंटेंट देख रहे हो इस कंटेंट को सबसे पहले मैं फॉन्ट टैग से लॉक करूँगा इस तरह से, और फॉन्ट टैग में मैं एक पहला एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूँगा, दैट इज़ कलर, और इसमें पास करूँगा रेड। ऐसा करने से इस कंटेंट का कलर रेड हो जाएगा। फिर मैं फेस एट्रीब्यूट की मदद से इसका डिज़ाइन चेंज करूँगा, मुझे एक प्री डिफाइंड डिज़ाइन का नाम याद है, कैलिप्री, और फिर मैं यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट लगाकर इसके साइज में कुछ इंक्रीमेंट करूँगा। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि इस कंटेंट का कलर रेड हो जाए, इस कंटेंट का डिज़ाइन कैलिप्री हो जाए, और इस कंटेंट का साइज 4 पिक्सल्स हो जाए, तो मैंने 3 एट्रीब्यूट का यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करता हूँ। ओके, सो आप देख रहे हो डेवलप्ड बाई स्वीटूस मीडिया, आपके ब्रांड का नाम यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। क्लियर? तो गाइस, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी होगी, और ये आपका वेबसाइट डेवलपमेंट का फर्स्ट प्रोजेक्ट है। तो अगले वीडियोस में इसमें कुछ इन्हेंसमेंट करेंगे, अगले वीडियोस में हम कंटेंट करेंगे कि जब हम प्ले ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये सॉन्ग ऑनलाइन हमारे यूजर के सिस्टम में प्ले कैसे हो सकता है, जब मैं डाउनलोड नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये सॉन्ग हमारे यूजर के सिस्टम में किस तरह से डाउनलोड होगी। तो अगले वीडियो सीरीज में हम इसको कंटेन करेंगे कि ये फंक्शनैलिटीज़ हम सिर्फ HTML लैंग्वेज की मदद से कैसे जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो गाइज, काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे वीडियोज को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आप इस वीडियोज के इंग्लिश वर्जन्स को भी वॉच कर सकते हैं, सिंपली हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियोज के इंग्लिश वर्जन्स को फाइंड करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइज, हैव ग्रेट डे।